मीडिया में एंकर ही हैं जो देश की बात जनता के सामने रखते हैं और अपनी डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपनी डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, ब्लैक फंगस से भी जानलेवा है इंजेक्शन की खोज। दूसरा, अस्पतालों ने लाखों लूटे, लूटते रहे आपकी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगी टीका अभियान की सारी फाइलें। चौथा, कोविड से मरने वाले ज्यादा हैं तो स्वीकारें, सवालों से पीछा ना छुड़ाएं। और पांचवा, वैक्सीन का पता नहीं अभियान लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा। कोरोना महामारी देश में अभी भी जारी है, पर देश में डेली केसेस के आंकड़ों में कमी भी देखने को मिली है। इस बीच जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं उनका इलाज महंगा हुआ है। इस मुद्दे को रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में उठाया और सरकार से भी सवाल किए। कायदे से जिस तरह इन 3 महीनों में भारत के नागरिकों ने अपमान झेला है, पूरे साल केवल इसी दौर पर बात होनी चाहिए। मार्च और अप्रैल के महीने में लोग लिख रहे थे कि 6 लाख का बिल आ गया है, तो कोई लिख रहा था कि 14 दिन में 8 लाख का बिल आ गया है। ब्लैक फंगस की सर्जरी का बिल 4 लाख का आ गया है, तो बाकी सारा खर्चा मिलाकर 14 लाख का हो गया। इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। यासिर रहमान ने लिखा है कि दादी के लिए ऑक्सीजन बेड का 8 दिन का खर्चा 1,80,000 आया। एक और दादी के लिए 4 दिन का खर्चा 1,25,000 आया। 1-5 सितारा अस्पताल में चाची 10 दिनों तक आईसीयू में थी तो उनका खर्चा 18 लाख आया। तीनों नहीं बचे। लाखों रुपए देने के बाद तीमारदारों का जो अस्पताल के बाहर और भीतर अनुभव हुआ है, उसी की एक जन सुनवाई होनी चाहिए। पूरी संसद को बैठकर सुनना चाहिए कि लोगों पर क्या गुजरी है, कितने अस्पतालों ने बोरी बोरी भरकर कैश लिए हैं पता नहीं। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे किसान। दूसरा, लगातार बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम कब। घटती आमदनी से कैसे चलेगा घर। तीसरा, क्या MSP बन गई है सरकार की गले की हड्डी। चौथा, वैक्सीन पर राजनीतिक लड़ाई कब तक। और पांचवा, बचपन की किलकारी पर पढ़ाई भारी। कोरोना से अगर इंसान बच रहा है तो महंगाई की मार पड़ रही है। इस मुद्दे पर संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट में बात की। भाई, नौकरी करेंगे, आमदनी होगी, तभी तो हमारा घर चलेगा, घर परिवार चलेगा, चूल्हा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, मां बाप की तीमारदारी होगी, कुछ बचत करेंगे। उसके लिए एक अदद नौकरी की, किसी धंधे की, पेशे की, दिहाड़ी की जरूरत होती है। इस बात पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है कि आज की तारीख में हमारी मौजूदा बेरोजगारी दर लगभग 12% पर पहुंच गई है, 11.9%। शहरी बेरोजगारी दर है 14.73%। ग्रामीण बेरोजगारी दर है 10.63%। आप, मैं, हम में से ज्यादातर लोग जो नौकरी कर भी रहे हैं, नौकरी पर तो तलवार लटकी हुई है, तनख्वाहें भी कट रही हैं। बहुत से लोग कटी हुई तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अब बात गोदी मीडिया के एंकर की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार रमेश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, वैक्सीन पर घिर गई कांग्रेस, निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने पर उठे सवाल। दूसरा, अमीश देवगन के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। तीसरा, सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट से वैक्सीन तक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से विशेष संवाद। चौथा, महामारी पर महाबहस, संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनाथे के बीच कोविड पॉलिटिक्स पर जुबानी जंग। और पांचवा, वो इंटरव्यू जिस पर छड़ा घमासान, आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी पर सबसे बड़ी जंग। देश में कोरोना महामारी से परेशानी और महंगाई की मार से जनता की परेशानियों के बीच अमीश ने वैक्सीन के मुद्दे पर अपनी डिबेट की, जिसमें वह कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे। क्या कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार देश में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाए। राहुल गांधी ट्विटर पर लिखते हैं, मुफ्त वैक्सीन के लिए आवाज उठाइए, देश आवाज उठाए, केंद्र सरकार को जगाइए। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, जो सही भी है। बीजेपी का दावा है कि पंजाब सरकार 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर प्राइवेट हॉस्पिटल को करीब 1,000 रुपए में बेच रही है और पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल
1500 रुपए से ज्यादा वसूल कर रहे हैं, 1700-1800 रुपए तक वसूल कर रहे हैं, इसे आम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि यह सब देखना मेरा काम नहीं है। सवाल है कि क्या फ्री वैक्सीन पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स खुलकर देश की जनता के सामने आ गई है? इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब आएगा बाज। दूसरा, डोमिनिको में चौकसी के आज क्या हुआ। तीसरा, CAA पर नए सिरे से राजनीति किसकी। चौथा, देश की बहस में आचार्य बालकृष्ण। और पांचवा, देश में हिंदू घर बेच कर भागने पर मजबूर क्यों। दीपक चौरसिया ने देश में जरूरी मुद्दों को छोड़कर अपने डिबेट में पाकिस्तान के मुद्दे पर बात की। बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर तो मांग लिया लेकिन इसके बाद भी उसके भाड़े के टट्टू आतंकवादी वारदातें कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में त्राल में 2 आतंकवादी वारदातें हुई है जिसमें राकेश पंडिता नाम के एक चेयरमैन सरपंच को गोली मार गई, जो पंचायत के सरपंच थे उनको गोली मार दी गई। DDC के चुनाव में चुनकर आए थे, बहुत लोकप्रिय थे और भारतीय जनता पार्टी के जाने माने कार्यकर्ता थे घाटी के अंदर। राकेश पंडिता कश्मीरी पंडित थे और यही वजह बताते हुए उन्हें गोली मारी गई है क्योंकि बार बार टेररिस्ट कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है 370 और 35 से हटाने के बाद। जी, समय समय पर भारत इसका प्रयास लगातार करता रहा है और उसने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, उसने एयर स्ट्राइक भी की पाकिस्तान पर और पाकिस्तान उसके बाद से डरा सहमा अभिनंदन को छोड़ा। हमने हालात भी बताया कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी के पांव थर थर पाकिस्तान की संसद के अंदर कांप रहे थे। आपने अब खुद ही देखा कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, नहीं अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और ज्यादा ज्यादा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.